हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं मटर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट मटर का नाश्ता है और आजकल सीजनल मटर खूब अच्छी आ रही है, बहुत यम्मी लगता है ये। इसके लिए मैंने आधा किलो करी मटर ली है और बेसन और थोड़ा सा आटा। मटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में थोड़ा मोटा मोटा, और तो हरे धनिया को मैंने इसमें थोड़ा काट लिया है और थोड़ी इसके अंदर मेथी भी डाली है फ्रेंड। उन सबको धो के और काट लिया है। काटने के बाद में इसको एक बर्तन में करके और इसके अंदर में नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर मिला लेना है। और फ्रेंड थोड़ा सा इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा वो डालना है। और इसका हम एक अच्छा सा नरम सा डो तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 3 चमचे तो बेसन डाला है और करीब 3 चमचे के करीब मैंने इसमें आटा डाला है। और इसको अब हम अच्छी तरीके से इसका एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड ये भाप में पकता है। मसाले इसके अंदर वही जो हमारी किचन में मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला है ना, यही सब मैंने मिलाया है। इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है, सब अपना घरेलू चीज़ है जो हमारे किचन में है। इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। और तब तक मैंने गैस पे भगोना चढ़ा दिया है, एक पानी थोड़ा सा उसमें पानी रख दिया है 2 गिलास के करीब और उसको ढक दिया है। और इसके लिए हमें एक छलनी की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। जब पानी हमारा बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने छलनी रख दी है। और इस डो को मैं थोड़े छोटे छोटे पेड़े से लेके पेड़ा बना लूँगी और उसको हाथों में पानी लगा के या चिकनाई लगा के, मुझे पानी ज़्यादा आसान रहता है इसलिए मैंने पानी का हाथ लगाया है, उसको लगाते हुए थोड़ा आकार दे देंगे। और आकार दे के इसको छलनी में रख देंगे और पानी अपना बॉयल होने देंगे। उसको ढकने के बाद में इसको हम खोल के देखेंगे और इस ये हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए हमें एक टूथपिक इसके अंदर डालनी होगी। टूथपिक को हम जब डालेंगे तो ये बिल्कुल साफ निकल आएगी, तो समझ लेंगे कि हमारा ये बन गए हैं। और फ्रेंड फिर इसको निकाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में फिर जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, इसी तरीके से मैंने ये सारे बना लिए हैं फ्रेंड, मेरे 2 बार में बने हैं। और इसको ठंडा करने के बाद में हम इसको फिर कट कर लेंगे, थोड़ा चाकू की सहायता से थोड़े थोड़े मीस पीस कर देंगे। और इसके लिए मैंने चटनी बनाई है खट्टी मीठी पुदीने की। ये फ्रेंड बन गए हैं। इसको वैसे मैंने तो लंबा आकार दिया है, आप चाहें तो चौकोर आकार भी दे सकती हैं इसको फ्रेंड। और जब ये हमारे किसी भी आकार में जो आपको मन भाए उस आकार में देखो, इसको जो है पका लीजिए। और पकाने के बाद में क्या है, इसकी पहचान यही है, ये थोड़ा नीचे से पानी जो है वो बॉईल होता रहेगा और फ्लेम हमें धीमा नहीं करना है, तेज आंच में ही इसको जो पकाएंगे। जब टूथपिक इसमें से साफ निकल आएगी तो समझ लेंगे हमारे ये पक गए हैं। और ये देखिए पैन पक गए हैं। अब इसको जो है घंटे भर 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, जब भी बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे हम इसको चाकू की सहायता से गोल गोल काट लेंगे। मैंने तो थोड़ा मोटा पीस काटा है, आप चाहें तो थोड़ा पतला काट सकती हैं। और फ्रेंड इसके अंदर जो वो खाने में जब हम इसे खाते हैं वो मटर के दाने आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं और देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, वो गोल गोल मटर के दाने उसके अंदर दिखाई देते हैं, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा है। अब हम जो है एक तवा चढ़ा देंगे गैस के ऊपर और तवे के ऊपर हमने तेल डाल दिया। तेल में जब तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसको मैं एक एक करके उसमें तेल में डाल के किनारे की तरफ कर दूंगी। और इसी तरीके से गैस हमारी मध्यम रहेगी और इसको हम डाल करके सेक लेंगे। और सेकने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा हम, चूँकि मेरे पास मेरा तेल भुना हुआ है इसलिए मैंने वो तेल थोड़ा ऊपर से ही डाल दिया है और उसको थोड़ा अल्टी पल्टी कर दी है जिससे कि हमारा अच्छी तरीके से उसके अंदर तेल सेट हो जाए। और फ्रेंड ये देखिए करीब करीब हमारे ये उल्टा पल्टी करके सीख गए हैं। बहुत स्वादिष्ट मसक मटर की रेसिपी, आप भी बनाइए और इन्जॉय करिए। ये फ्रेंड देखिए बहुत यम्मी। थैंक्स फॉर